तो कैस मैं हूँ तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क सबसे पहले कैसे हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे मंडे नाइट रॉ की वीवरशिप से एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भाई मेरे एग्जाम से किस तारीख से खत्म हो जाने वाले हैं तो आज से वीडियो इसीलिए बिल्कुल टाइम पे एंड शाम वाली वीडियो वगैरह रात वाली वीडियो सब कुछ टाइम पर ही आएगी अब तो आप नॉर्मल टाइम पर आप वेट कर सकते हो मंडे नाइट रॉ की वीअरशिप से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो भाई गुड न्यूज़ है व्ययरशिपिप ऊपर गई है व्यवरशिप कितनी ऊपर गई है तो आई मीन अच्छी ऊपर गई है पिछले वीक की वीरशिप थी भाई वन पॉइंट मिलियंस ये एपिसोड जो था भाई मेरे हिसाब से डीसेंट था इस वीक की बात करें तो भाई ये भी एपिसोड डिसेंट था ठीक था इस वीक के व्यवसिप पर ये वन पॉइंट सेवन थ्री थ्री मिलियंस ये गो होम्स होता किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग से पहले का मंडे नाइट नाइड्रॉ का एंड यहाँ पे अच्छे नंबर्स इन्होंने ड्रॉ करे हैं देखो जब भी मंडे नाइट्रॉ वन पॉइंट सिक्स फाइव से ऊपर जाती है मिलियंस की बात करो ऑब्वियसली तो समझ जाना कि व्यवरसिप अच्छी आई है वन पॉइंट सिक्स फाइव से लेके वन पॉइंट फाइव फाइव के बीच में तो समझ जाओ कि एवरेज है मंडे नाइट नाइड्रॉ यही अगर वन पॉइंट फाइव फाइव से नीचे तो समझ जाओ कि भाई ये नीचे आ रही है बिकॉज मंडे नाइट नाइड्रॉ ने यही कुछ अचीव करा है

से रिलेटेड ऑस्टेन थ्योरी रिसेंटली आए थे एक इंटरव्यू के अंदर जहाँ पे वो कमेंट करते हैं डब्ल्यू के करंट एरा के ऊपर कि क्या सोचते हैं वो करंट एरा के बारे में कहते हैं ऑस्टेन थ्योरी कि उनके हिसाब से ये जो करंट एरा है ये काफी डिफरेंट है एंड काफ़ी डोमिनेंट है एज कंपेयर टू एटीट्यूड एरा कहते हैं कि ये वाला जो एरा है मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है अगर इसको एटीट्यूड एरा से कंपेयर करें तो ये काफी अनपॉपुलर ओपिनियन है वैसे लेकिन काफ़ी सारे लोग ये ओपिनियन स्टिल रखते हैं कहना है ऑस्टेन थ्योरी का कि जो ट्रिपल एच का यह रजमा है ट्रिपल एच के कंट्रोल के अंदर रेसलर्स खुद को अच्छे से प्रूफ कर पाते हैं लाइक मॉ का बहुत सारे रेस्तर को मिला है एंड बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं बहुत सारे सुपरस्टार्स कहते हैं कि ट्रिपल एच के एरा में जितना रेस्तर को कंसिडर करा गया उतना कभी भी नहीं करा गया कंसिडर इन सेंस ऑफ कि उनको छुट्टी दे दी जाए उनके हेल्थ को कंसर्न रखा जाए और भी बहुत सारी चीजें हैं भाई जो कि बिहाइंड द सीन्स चल रही होती है ऑस्टिन थोड़ी आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं कहते हैं कि अभी जो है रेस्लिंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है नहीं तो पहले सिर्फ स्टोरी 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 आई मीन वो भी एक अच्छी चीज है लेकिन रेस्लिंग भी मैटर करती है तो डब्ल्यू में वर्ल्ड रेस्लिंग एंटरटेनमेंट है तो पहले सिर्फ एंटरटेनमेंट जोन फोकस किया जाता था लेकिन भी रेसलिंग पे भी किया जाता है तो ये सारी चीजें ना काफी डिफरेंट बनाती है अभी की डब्ल्यूडब्ल्यू को पहले की डब्ल्यूडब्ल्यू से साथ में कहते हैं अभी भाई हमारे पास जो रोस्टर है पूछो ही मत कितना भयंकर रोस्टर है इतने डॉमिनेंट सुपर से कमी नहीं दिखेगी आपको मतलब तीन घंटे का रॉ है तो भाई वो तीन घंटे कम पर जा रहे हैं दो घंटे का स्मैकड तो वो दो घंटे कम पर जा रहे हैं पेपर भी हमें जान बूझ कर कम मैचेस रखने पड़ रहे हैं तो ये साबित करता है कि रोस्टर कैसा है साथ में इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं तो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है ये डब्ल्यूडब्ल्यू कितना जनरेट कर रही है वो सब कुछ साफ है सामने है इतना प्रॉफिट डब्ल्यू डब्ल्यू ने कभी जनरेट नहीं करना था जो कि एक फैक्ट है तो कहते हैं सारी चीजें आप देख लो भाई आप, आपके सामने अब इससे पता चलता है साफ कि एटीट्यूड एरा से तो यह चीज काफी ही बेटर है आई I मीन mean, मैं अग्री भी करूंगा हल्की फुल्की इनकी बातों से लेकिन क्योंकि मैंने एटीट्यूड एरा लाइव नहीं देखा है तो मैं उस पीओवी से कभी भी कंपेयर नहीं कर पाऊंगा लेकिन प्रॉफिट के मामले में तो हंड्रेड परसेंट एटीट्यूड एरा से तो ऊपर ही है करेंट ए रहा आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना आगे बढ़ते हैं कैसे बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि भाई सीएम पंक को लेकर

देख सकते हो कि नेटफ्लिक्स के क्वार्टर में ही है नेटफ्लिक्स का या तो ये यह हेडक्वार्टर नहीं तो भाई कुछ होगा इनका मुझे नहीं पता ऑफिस वॉफिस लेकिन यहां पे जो भी है सीएम पंक यहां पे आए हैं अब क्यों आए हैं वो एग्जैक्ट नहीं पता रीजन नहीं पता लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी प्रोजेक्ट के लिए ही आए नेटफ्लिक्स के साथ डब्ब्यूडब्यू के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं एक तो विंस मेकमैन वाली डॉक्यूमेंट्री आने वाली थी बायोग्राफी थी शायद वो नहीं आई बिकॉज ऑफ आपको मालूम है कॉन्ट्रोवर्सी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी भी बहुत सारे लफड़े हुए लेकिन इसके बावजूद नेटफ्लिक्स बहुत सारे सुपरस्टार्स को लेके डॉक्यूमेंट्री वगैरह करना चाहती है एंड ये चीज तब होगी जब नेटफ्लिक्स पे मंडे नाइट मंडीनाइड्रो आपको जाते हुए दिखेगी यानी कि 2025 में तो अभी के हिसाब से भाई पंक स्पॉट करे गए हैं नेटफ्लिक्स के ऑफिस में में जो भी है इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो भाई पे बिजनेस टॉक्स हुई है एंड जरूर किसी प्रोजेक्ट पर वर्क खुराब को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे सीएम पंक यहाँ पे नहीं तो खुद अपने पर्सनल इंडिविजुअल मैटर्स से यहाँ पे आएंगे अब देखना है कौन सी चीज है लेकिन वक्त सब कुछ क्लियर कर देगा क्या पता सीएम पंक खुद ही क्लियर कर दे किसी इंटरव्यू वगैरह में या फिर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ही वहीं करते हैं बहुत सारी चीजें अभी के हिसाब से नेटफ्ल स ऑफिस वगैरह में उनको स्पॉट करा गया है आगे बढ़ते हैं इस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडोन को लेकर आखिरी तो वाला इसको काफी शॉकिंग अपडेट है एंड ये ये अपडेट है कि जेड कारगिल एंड नया का मैच था भाई वो बिगेस्ट ड्रॉ था इस स्मैकडिसोड के एपिसोड के लिए ये काफी अनकॉमन है काफी अनयूजल है हमें आदत नहीं इस चीज को सुनने की लेकिन सच्चाई यही है कि जो जेड कारगिल एंड नया जैक्स का मैच था ये सबसे बिगेस्ट ड्रॉ था स्मैकडोन के लिए आप लोग देख सकते हो जेड कारगिल वर्सेज नया जैक्स द पीक वेयर फोर्ट Or last week's smackdown विथ टू पॉइंट थ्री सेवन जीरो मिलियन व्यवर्स द मैच सॉ बूस्ट ऑफ टू लैक व्यस एक्स्ट्रा व्यय टीवियस क्वार्टर तो बताया जा रहा है कि इस मैच के लिए स्पेशली दो लाख एक्स्ट्रा लोग आए थे टेलीविजन पे अपने यानी कि दो लाख एक्स्ट्रा लोगों ने अपने टेलीविजन के साथ ट्यून इन करा अब इस मैच की व्यय से भाई सबसे ज्यादा थी यानी नया जैक्स जेड कारगिल ने बहुत अच्छा करा यानी तो इनका मैच बहुत भरा होगा लोगों के नजरों में बिकॉज बाकी अदर जो सेगमेंट्स एंड मैचेस थे वो इनसे कंपेयर करने लायक भी नहीं है एंड इसमें कोडी रोड्स लोग

कहते हैं जिला फाटू भाई अपने शब्दों में यहाँ पे हेलिए आई वॉन्ट टू स्टैंड इन द रिंग विद हिम इट डोंट मैटर अगेंस्ट हिम विथ हिम इट विल बी लेजेंडरी हाउ मेनी पीपल कैन से दैट विथ रॉक इट वुड बी डोब आई वुड विन दो हैल या आई वुड विन जब इनसे पूछा गया कि क्या ये रॉक को बीट कर सकते हैं तो कहते हैं ये हैल या yeah. तो भाई इनका जो कहना है बेसिकली यही बताता है सब कुछ कि ये प्रिपेयर्ड है इस चीज़ के लिए तो ऑलरेडी इन्हें लगता है कि बहुत कम लोग ये चीज़ कह सकते हैं लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैं रॉक के साथ काम कर सकता हूँ एंड एक लेजेंड्री चीज़ होगी ये मैटर नहीं करता कि मैं उसके अगेंस्ट काम करूँ या फिर उसके साथ काम करूँ मैटर ये करता है कि उसके साथ जो मैं काम करूँगा वो लेजेंड्री होगा जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये रॉक को हरा भी सकते हैं क्या ये चीज़ भी पॉसिबल है तो कहते हैं हेल चीज होगी एंड यह पॉसिबल है बिल्कुल तो अभी के हिसाब से यह ओपन है रॉक के साथ वर्क करने को एंड इन्हें पूरा बिलीव है कि वह आगे जाके करेंगे वर्क तो मुझे लग, ऐसा लगता है भाई कि यह ब्लड लाइन वाली स्टोरी का ये रेफरेंस है शायद इनको भी मौका मिले रॉक के साथ वर्क करने का अभी के हिसाब से कहते हैं मैं तो काफी कॉन्फिडेंट हूं काफी बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं कि ये रॉक के साथ काम करेंगे वो उनके अगेंस्ट करे या उनके साथ करे वो डिपेंड करता अगेंस्ट का मतलब मेरे हिसाब से रोमन की ब्लड लाइन साथ में काम करने का मतलब कि उनकी ब्लड लाइन जो कि रॉक ही हैंडल कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो अभी के हिसाब से भाई फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स है क्या सोचते हो आप इन अपडेट्स के बारे में आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को फॉलो कर, कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉफेर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में